नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है वो डिसेबिलिटी परसेंटेज के बारे में, कि डॉक्टर हमें किस तरह से डिसेबिलिटी परसेंटेज देते हैं, अगर कोई डिसेबल है पर्सन तो उनको डॉक्टर कैसे सब जांचते हैं वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में आज की ये वीडियो है। और भयंकर गर्मी है आज, और फ्रेंड्स प्लीज़ सिर्फ कॉमेंट करके मत चले जाना कि मेरी ये डिसेबिलिटी है तो इसका हमें समझाओ, इसका हमें समझाओ। मैं धीरे धीरे सभी के वीडियो अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कब अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ ऐसे सिर्फ कमेंट करके मत चले जाना कि भाई हमारी ये डिसेबिलिटी इसका समझाओ, ऐसा करके मत चले जाना। आप अगर ये थोड़ी बहुत वीडियो देखेंगे ना तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिसेबिलिटी किस तरह से डॉक्टर जांचते हैं, आपको कैसे परसेंटेज देते हैं, क्या क्या उसमें मापदंड होते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ ऐसा कमेंट करके मत चले जाना कि भाई इसका हमें समझाओ। मैं धीरे धीरे सभी वीडियो अपलोड करूंगा, तो थोड़ा वेट करना पेशेंस के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो मेन है कि डॉक्टर हमें कैसे परसेंटेज देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक PDF जारी, RPWD एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि भाई साहब ज़्यादातर डिसेबिलिटी अभी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो सभी का एक मापदंड होने चाहिए, सभी का एक रूल्स होना चाहिए कि इतनी डिसेबिलिटी है तो इतने परसेंटेज। ये सब ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक PDF बनाओ जिसमें 21 तरह के सभी दिव्यांगता के बारे में बताया गया है। और ये जो PDF है वो थोड़ी बहुत ऐसा क्या है, डॉक्टर लेवल की है, तो मुझे जो उतना समझ आता है थोड़ा थोड़ा उतना मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि भाई हमारा हाथ नहीं है तो हमें किस तरह से दिव्यांगता देते हैं, अगर हमारा हाथ है तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो डॉक्टर क्या कुछ जांचते हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ भी जाएंगे, ऐसा नहीं आप समझ भी जाएंगे, तो धीरे धीरे समझना हर एक चीज़। तो वो PDF की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो कृपया वो पहले डाउनलोड कर लीजिए। 115-120 पेजेस की PDF है, तो आप डाउनलोड पहले कर लीजिए उसको, तभी आपको ये सब समझ आएगा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा स्क्रीन पर भी वो आता जाएगा और आप भी अपने तरीके से PDF में देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो तो एक सिर्फ एक टॉपिक पर है, लोकोमोटर। मोटा मोटा समझे कि लोकोमोटर क्या होता है, तो लोकोमोटर एक तरह से क्या होता है कि आपको हाथ की प्रॉब्लम है, आपको पैर की प्रॉब्लम है, तो आप खड़े होकर वहाँ तक जा नहीं सकते, अगर आपको हाथ से कुछ काम करना है तो आप कर नहीं सकते। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है, गति विषय प्रॉब्लम्स जो होती है, कहीं पे आना जाना, आपकी मोबिलिटी वगैरह, तो उसको सिंपल में लोकोमोटर बोलते हैं। और लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को मतलब व्हील चेयर, वॉकर, घोड़ी और भी डिवाइसेस, मतलब कैलिपर्स वगैरह उनकी जरूरत होती है, तो उनको सिंपल से लोकोमोटर बोलते हैं। और लोकोमोटर में और भी डिसेबिलिटी हो, सेलेबर पैलेसी होता है, फिर लेफ्ट फिशर क्रिएट होता है, ड्रोफिस होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, जैसे काफी डिसेबिलिटी है उसका हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी हम हाथ का ही समझेंगे सिर्फ। ये कुछ जो है वो टोटल कमिटी बनी थी, ये कमिटी का नाम है और ये सभी दिव्यांगता, उसमें पहला है गति विषयक दिव्यांगता। गति विषयक दिव्यांगता क्या, मांसपेशियों का होता है, तंत्रिका यंत्र का होता है, ये दोनों की पीड़ा जो होती है उसको मोटा मोटा लोकोमोटर बोला जाता है, गति विषयक बोलते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने जो है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जो है गवर्नमेंट ने इस PDF में ऐसा कहा है, अगले को लोकोमोटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे उसमें ऐसा कहा गया कि डॉक्टर ने जो बॉडी के दो पार्ट बना दिए, उपला पार्ट है वो हाथ वगैरह और जो दूसरा पार्ट है वो पैर वगैरह, और ये सब जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी है उनके लिए ही वैलिड है, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है उनके लिए ही वैलिड है। ये जो आप स्क्रीन पर 1.1 देख रहे हैं उसका मैं तो आपको सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ, 1.1 में मेन मेन बातें वो बता देता हूँ आपको, तो छोटा छोटा इसमें मैं समझाऊँ तो आपको क्या लिखा है 1.1 में, कि भाई एक हाथ है हमारा हाथ, तो उसकी दिव्यांगता टोटल रहेगी 100, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये एक का ही समझा जाओ तो फिर हाथ को गवर्नमेंट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, एक कंधे से लेकर पंजे तक और एक सिर्फ ये पंजा, हाथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया डॉक्टर ने परसेंटेज देने के लिए। फिर उसमें ये कहा है कि भाई हाथ की दिव्यांगता मापनी है तो आपको क्या क्या मापदंड करने पड़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए उसमें लिखा है भुजा घटक के कार्य के नुकसान के परिणाम में गति सीमा, मस्कुलर दृढ़ता और संयोजित गतिविधियों का नुकसान का माप किया जा सकता है, मतलब हाथ काम नहीं करता, हाथ के मसल स्ट्रांग नहीं है, हाथ ऐसे ही रहता है तो उसके लिए भी मसल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसका आपको देखना पड़ेगा। फिर हाथ घटक मतलब ये पंजा, सिर्फ हाथ घटक का नुकसान मापने के लिए क्या कहा गया है, परिमाप में पकड़, संवेदना और सुदृढ़ता का निर्धारण शामिल है, तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा कि एक काम करो, इसमें पंजे से पकड़ने वगैरह के भाई होता है, तो एक पेशेंट को बुलाया तो उस पेशेंट से फिर ये सब कार्य करवाया, वो धीरे धीरे आगे आएगा। 1.1 में मोटा मोटा ये कहना चाहते हैं इसमें सिर्फ। फिर है 1.2.1 भुजा घटक, भुजा घटक का टोटल वैल्यू है 90%, मतलब भुजा घटक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे कहते हैं हमारी भुजा। तो भुजा घटक में पहला मूल्यांकन है जोड़ों की गतिशीलता, जोड़ों की गतिशीलता मतलब यहाँ से ये तीन जोड़ हुए इसके, भुजा घटक के अधिकतम मूल्य 90%, मतलब यहाँ से किसी का कट गया है तो उसे 90% डिसेबिलिटी माना जाएगा, एक हाथ की, दो हाथ का नहीं है,
दो आयत का इसमें आगे आएगा धीरे धीरे, उसका फॉर्मूला वगैरह आएगा धीरे धीरे। तो ये पूरा यहाँ से नहीं है तो 90% डिसेबिलिटी। और फिर यहाँ से क्या कहा गया है, तीन जोड़ का बताया गया है। तीन जोड़ मतलब पहला जोड़ यहाँ से देखा है, कहा गया है कि कंधा, दूसरा कहा गया है कोहनी, और तीसरा कहा गया है कलाई। यहाँ से तीन घटक का बताया है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा गया कि यहाँ से तीनों से मतलब यहाँ से कटा है तो, 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 इसका तीनों का अलग अलग परसेंटेज गवर्नमेंट ने दिया है एक फोटो के मुताबिक। इसमें हम फोटो से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आप मैं फोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पर आपको। उसमें क्या है, एम्प्यूटी मतलब टोटल हाथ कट ही गया है। मतलब कोई ऐसे पर्सन हो नॉर्मल और कारखाने में फैक्ट्री वगैरह में काम करते तो उनका हाथ काफ़ी बार मशीन में आ जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तब वो कट जाता है। मतलब कटा हुआ जिनका है उनका बारे में, तो यहाँ से कटा हुआ है कंधे से, यहाँ से है ही नहीं हाथ, तो टोटल जो है वो 90% डिसेबिलिटी। उसके बाद कंधे से थोड़ा से नीचे कटा है तो 85 डिसेबिलिटी। फिर यहाँ से कटा है कोहनी से तो 80% डिसेबिलिटी, मतलब अगर है ही नहीं तो। फिर यहाँ से है तो 75, और यहाँ से है तो 60। इस तरह से अगर किसी का हाथ कटा हुआ है तो उसके बारे में ये बताया हुआ है। 1.3 2.3 मांसपेशियों की मजबूती के मूल्यांकन के सिद्धांत। मांसपेशी मतलब हमारे मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग है उसका सिद्धांत बताया है। उसमें ये क्या कहा गया है कि एक लंदन की है MRC नाम की एक संस्था है, तो MRC नाम की जो संस्था है वहाँ से इस मूल्यांकन को लिया गया है लंदन के वहाँ से। तो वहाँ पे मांसपेशियों को मापने के लिए 0 से 5 तक का ग्रेड देते हैं। तो उसमें हमें बताया गया है, यहाँ पर लिखा है ना परिशिष्ट एक, उसके आधार पर उसको मापते हैं। तो हम ये देखते हैं परिशिष्ट 1, ये है पेज नंबर 52 पर। तो इसके आधार पर हमें ग्रेड मिलता है मांसपेशियों की मजबूती के, चेक करते हैं डॉक्टर, वो फिर देते हैं हमें ग्रेड। ये रहा परिशिष्ट 1। 1.2.3 देखे, 1.2.3 में हमने समझा कि भाई ग्रेड का देते हैं, तो ये ग्रेड का लिखा हुआ है 0 से 5 तक का। 0 मतलब शून्य, मतलब ग्रेड 0 एटले कि भाई इसमें इतना कुछ पावर नहीं है। तो मतलब मांसपेशियों का संकोचन नहीं किया जा रहा है, तो 0 ग्रेड मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ कह सकते, इतना मैं समझ नहीं पाया हूँ इसको। फिर है 1 ग्रेड देंगे भाई झिलमिलाहट या मांसपेशियों की संकुचन का पता लगाया जा रहा है कि नहीं है, तो 1 ग्रेड देंगे, ऐसा कुछ है श्रेणी। फिर 2 है गुरुत्व के मांसपेशियों के सक्रिय संकुचन का सफाया हुआ, मतलब ऐसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वो हाथ नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। इतना इसमें मुझे भी समझ नहीं आया है, लेकिन ये इस ग्रेड के आधार पर डॉक्टर आपको बताएं, पूछेंगे कि भाई हाथ ऊंचा करो, हाथ नीचे करो, आपकी मांसपेशी कितनी मजबूत है, वो डॉक्टर चेक करेंगे इस तरह से ग्रेड के आधार पर। वो ऐसे PDF नहीं देखेंगे, उनके दिमाग में सब फिट होता है, ऐसा मत पूछना उनको। फिर साधारण शक्ति होंगी आपके हाथ में तो 5 ग्रेड देंगे, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। जिनके हाथ है लेकिन उसमें मजबूती नहीं है, मीन्स आपने पैरालिसिस वालों को देखा होगा, उनके हाथ होती है लेकिन उनके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और भी डिसेबिलिटी होती है ऐसे जिनके हाथ या स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है उनको, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया कहा गया है। उसमें क्या है कि मध्यमान के चले पैरालिसिस वालों को यहाँ से प्रॉब्लम है, तो यहाँ से वो काम नहीं कर सकते, एक जॉइंट यहाँ से मतलब डैमेज है तो पूरे हाथ को वो इफेक्ट करता है ये एक जॉइंट का। तो इस तरह से डिसेबिलिटी में एड करते जाएंगे हर जॉइंट से, मतलब हाथ कंधे का मसल्स काम नहीं करता तो स्वाभाविक है पूरा हाथ काम नहीं करता, कोहनी का मसल्स काम नहीं करता तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, इस तरह से कहा गया है। तो उसको 0.3 से बढ़ाते जाना है, ऐसा कुछ है। फिर है 1.2.4 संबंधित गतिविधि के मूल्यांकन। मतलब संबंधित गतिविधि का क्या होता है कि हाथ के कुछ काम हो गए कि भाई हाथ से ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसका पूरा मूल्य है जो 90% है। अगर हाथ से कोई काम नहीं हो सकता, कोई भी हाथ की मतलब ऐसे ही हाथ में डॉक्टर कहे कि भाई ये 10 काम है इसमें से आपका क्या काम नहीं हो सकता, ये टोटल जो है वो काम का मूल्य 90% करा गया है, संबंधित काम का मूल्य। हाथ की गतिविधि नहीं है तो उसका परसेंटेज में जिनका हाथ है बट वो मसल्स की प्रॉब्लम के कारण वर्क नहीं करता है, तो उनको टोटल 90% तक डॉक्टर चेक करके देंगे। यहाँ पर कमिटी ने टोटल 10 काम बताए जो नीचे मुजब है, तो अभी हम देखते हैं वो 10 काम क्या है। यहाँ पर लिखा है ना परिशिष्ट 2, 10 विभिन्न संबंधित गतिविधियों के फॉर्म में दिए गए, तो ये फॉर्म ये शायद 53 पेज पर है, 53 पेज पर आ जाइए आप। लिखा है ना यहाँ पर 1.2.4 देखे, तो यहाँ पर डॉक्टर ने बहुत कुछ बताया गया है, इतना मैं समझ नहीं पाया हूँ इसको, क्योंकि ये सब थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, तो ये सब इतना मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जो है वो 10 काम देख लेते हैं। 10 काम कहाँ पे है, यहाँ पर लिखा है संबंधित गतिविधि के मूल्यांकन के सिद्धांत, उसमें परिशिष्ट 2, यहाँ पर लिखा है संबंधित
गतिविधियों के मूल्य। तो पहला काम है उसी स्थान पर 9% वस्तुओं को ऊपर उठाना और उतारना। तो अगर वो कोई उठा नहीं सकते, उसे नीचे नहीं रखते, तो 9% डिसेबिलिटी। फिर दूसरा काम है 9% नाक के छिद्र को स्पर्श करना, मतलब इस तरह से स्पर्श करना। फिर तीसरा काम है भारतीय शैली का भोजन, मतलब इसे खाना थाली में से लाकर भारतीय शैली में। फिर है 9% कंधी और गुथना, ये सब ऐसा नहीं कहते वो साहब, उतना मुझे नहीं आता है। फिर 1% शर्ट और कुर्ता डालना, मतलब पहनना, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर पानी का भरा ग्लास पकड़ना, वो भी छठा काम, मतलब उसका भी 9%। फिर सातवें 9% पे पीने का पानी का गिलास। फिर है 1% टाई नारा धोती पहनना वगैरह हो सकता है। फिर है 9% लेखन। ये टोटल 10 काम है जो आप नहीं कर सकते, मसल्स की गतिविधि नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के सिद्धांत, तो उसमें टोटल 9%, उसमें 0 से 5 का ग्रेड वो देंगे। और फिर ये परिशिष्ट 10 में जो, परिशिष्ट 2 में जो है वो काम नहीं कर सकते, ये 10 तरह के। तो हर एक काम का 9%, मतलब 5 काम नहीं हो सकते, तो क्या होता है 45% डिसेबिलिटी। तो ऐसा कुछ इसमें कहना चाहते हैं। फिर है संदर्भ के लिए विभिन्न जोड़ों का औसत प्रतिशत 3 पर है, यहाँ इसमें लिखा होगा 5-8 पर। एक में देख लिया 0 से 5, दूसरे में 10 काम, और तीसरे में भी है ऐसा, लेकिन इतना समझ नहीं आएगा। ये परिशिष्ट 3 है, इसमें भी बताया गया है कितने डिग्री तक घूमता है वो सब। कंधा में मोड़ जो है वो 0 to 80 degree, यहाँ से सीधा है तो इस तरह से, मतलब 0 to 180 degree होगा। फिर विस्तार है तो 0 से 50 तक का विस्तार कर सकते कि नहीं। फिर ये उपहरण क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, ये इसमें बताया गया है। कलाई का सब कुछ है, अंगूठा कर मत देखना, ये कलाई तक और भुजा तक के देखना, कलाई तक ही देखना, ये इसमें परिशिष्ट में बताया गया है। ये कोष्टक वगैरह जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ये थोड़ा डॉक्टर लेवल का हो गया है इसमें, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम जाते हैं पीडीएफ पर। ये है भुजा घटक के संयुक्त मूल्य 1.2.5, भुजा घटक के संयुक्त मूल्य। भुजा घटक के संयुक्त मूल्य में क्या कहा गया है मोटा मोटा के भाई, देखिए तीन बातें हमने समझी। उसमें क्या था मेन, पहला था जोड़ों की गतिशीलता की सीमा, फिर दूसरा था मांसपेशियों की मजबूती, और तीसरा था संबंधित गतिविधियां, मतलब हाथ की गतिविधि, जो भी हाथ से काम कर सकते हम नहीं कर सकते उसका। तो अगर किसी को तीन डिसेबिलिटी एक साथ है, ये तीनों डिसेबिलिटी एक साथ है, तो ये फॉर्मूले में डॉक्टर उसको डालेंगे परसेंटेज को भाई, जैसे हमने समझा कि एक काम नहीं हो सकता है तो 9%। ऐसे ही गवर्नमेंट, ऐसे ही डॉक्टर जो तीनों काम नहीं हो सकते, मतलब ये तीन डिसेबिलिटी एक साथ है किसी को, फॉर्मूले में इसको डालेंगे और फिर जो है वो परसेंटेज देंगे इस तरह से। प्रॉपर यही देंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन गवर्नमेंट इस फॉर्मूले से संयुक्त मूल्य, मतलब तीनों डिसेबिलिटी एक साथ है भुजा ये हाथ की, तो डॉक्टर इस तरह से आपको परसेंटेज देंगे इस फॉर्मूले में डालकर। ये फॉर्मूला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है तो वो आप 5-7 या 5-8 पेज पर है, वो आप देख सकते हैं इसको। और इसके नीचे ही है वो इंग्लिश है, आपको थोड़ा बहुत समझना हो तो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ फॉर्मूला और कोष्टक वगैरह, तो इतना मैं सही समझा देता, मोटा मोटा आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि अगर एक साथ ये तीन डिसेबिलिटी हुई, एक साथ 2 डिसेबिलिटी हुई, तो फिर वो फॉर्मूले में डालेंगे, ऐसा कुछ है। अगर एक ही डिसेबिलिटी हुई तो फिर वो एक दे देंगे कि भाई एक डिसेबिलिटी है तो एक, मतलब एम्प्यूटी का कैसे हमने समझा कि भाई यहाँ से कट चुका है तो फिर सीधा 90 दे दो, आगे का कुछ देखना ही नहीं है उनको। अगर यहाँ से कटा है तो उनको सीधा 60% दे दो, क्योंकि वो कट गया है, बाकी तो सब ठीक है। अगर ये तो दोनों साथ है, मतलब पैरालिसिस वाले हैं, पैरालिसिस वालों का डॉक्टर को इसमें ही डालना पड़ेगा कि उनको एक साथ काफ़ी डिसेबिलिटी है। और यहाँ पर जो है वो भुजा, मतलब ये हाथ का कंप्लीट हुआ। अगर आपको इतना समझ ना आया हो तो आप फिर से देख लेना, या तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हाथ का भुजा में मेन दो बातें, एक तो जो कट चुका है पूरे का पूरा उसका है, हमने फोटो में देखा 90, 75, 80, 65 और 60, तो वो कट चुका है उनका। फिर तीन है जिनका कटा नहीं है, उनका डॉक्टर मांसपेशियों का भी चेक करेंगे और संबंधित गतिविधियों का भी चेक करेंगे, मतलब मांसपेशी से काम नहीं हो सकता तो कोई चीज़ आप पकड़ नहीं सकते, तो ये इसमें आता है। तो ये मोटा मोटा जो है वो भुजा घटक का था पूरा हाथ का। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर जो है वो हमारा भुजा घटक का मूल्य जो है वो समाप्त हुआ। काफ़ी कुछ आपने इससे समझा होगा ऐसे आशा रखता हूँ। अभी जो है दूसरा वीडियो 9:30 बजे को लगा दिया है मैंने हाथ घटक का, वो भी देख लेना, तुरंत आ जाएगा वो वीडियो इसके बाद, तो आप वो भी देख लेना वीडियो। तो चैनल से जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।